धनी व्यापारी था खजान सिंह। उसने बहुत धन संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी। खजान सिंह का एक खास नौकर भी था जिसका नाम था राम भक्त। राम भक्त का व्यवहार भी बिल्कुल उसके नाम की तरह ही था। वह भगवान की भक्ति करता था और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में खर्च कर देता था। खजान सिंह रोज राम भक्त को धन बचाने की शिक्षा देता था, लेकिन राम भक्त पर कोई भी असर नहीं होता था। राम भक्त इन हरकतों से तंग आकर एक दिन खजान सिंह ने राम भक्त को एक डंडा दिया और कहा, जब तुझे अपने से भी बड़ा कोई मूर्ख मिले तो इसे उसको दे देना। उसके बाद खजान सिंह राम भक्त से अक्सर पूछता था कि उसे कोई उससे भी बड़ा मूर्ख मिला या नहीं, पर राम भक्त विनम्रता से मना कर देता था। एक दिन खजान सिंह बीमार हो गया। रोग इतना बड़ा कि वह मरणासन्न हो गया। अपने आखिरी समय में खजान सिंह ने राम भक्त को अपने पास बुलाया और कहा, अब मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। मालिक, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वहाँ कोई किसी के साथ नहीं जाता पागल। फिर तो आप धन दौलत सुख सुविधा के सामान जरूर ले जाइए और आराम से वहाँ रहिएगा। पगले, वहाँ कुछ भी लेकर नहीं जाया जा सकता। सबको अकेले और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। मालिक, तब तो ये डंडा आप ही रखिए। जब कुछ लेकर जाया ही नहीं जा सकता तो आपने बेकार ही पूरा जीवन धन दौलत और सुख सुविधाओं को एकत्र करने में नष्ट कर दिया। ना तो दान पुण्य किया, ना ही भगवान का भजन। इस डंडे के असली हकदार तो आप ही हो। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, सीस चढ़ाए पोटली ले जात ना देख्या कोए। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते हुए किसी को नहीं देखा गया। अधिक धन कमाए पर साथ ही दान धर्म का भी पालन करें, क्योंकि अंत समय में मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, बस अच्छे कर्म ही जाते हैं।